नमस्कार। बहुत सारे FPOs और उनको चलाने वाले CEO और डायरेक्टर्स हमेशा मुझसे ये बात करते हैं कि साहब, जब भी हम एग्री इनपुट का काम करते हैं, खाद बीज दवाई की दुकान खोल के बेचते हैं, तो तब हमारे FPO को घाटा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? तो मैंने इसके ऊपर सोचा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो FPOs करते हैं, क्योंकि उनको व्यापार का अनुभव नहीं होता है और इसी अनुभवहीनता की वजह से उनको इस तरह के नुकसान उठाना पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानें कि जो FPO एग्री इनपुट का बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास बेसिकली चार लाइसेंस होंगे। फर्टिलाइज़र का लाइसेंस होगा, फिर सीड का लाइसेंस होगा, पेस्टिसाइड का लाइसेंस होगा, बायो का लाइसेंस होगा और हॉर्टिकल्चर का होगा। इस तरह से पांच लाइसेंस आजकल बनाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फिर जिन कंपनियों का आप खाद बेच रहे हैं, उसका ओ फार्म आपके लाइसेंस पर चढ़ा हुआ हो, ताकि उनके प्रोडक्ट बेचने का ऑथोराइजेशन हो। इसी तरह जो बीज, पेस्टिसाइड और बायो के प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उनका प्रिंसिपल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप मशीन इक्विपमेंट का काम करते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रोडक्ट मिक्स को समझना चाहिए कि हमारी दुकान में क्या प्रोडक्ट होंगे और उनके लिए कानूनी बाध्यता क्या है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरे कि ये प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो हमारी दुकान में हम प्रोडक्ट लाते हैं, एक को कहते हैं हम स्टॉक अप और दूसरे को कहते हैं टॉप अप। तो जो स्टॉक अप होता है, उसमें ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो इसेंशियल हैं, जो ज़रूरी हैं, जो किसान को चाहिए ही चाहिए। तो इसमें आपके प्रोडक्ट मिक्स से दो प्रोडक्ट आते हैं, फर्टिलाइज़र और सीड। जो टॉप अप प्रोडक्ट होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड हैं, PGR हैं, बायो के प्रोडक्ट हैं और लाइट मशीन इक्विपमेंट हैं। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरी में बांट के रख सकते हैं। अब इसमें जो कॉस्ट लगती है, जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ तक आते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है, उसको हमें समझना चाहिए। तो पहले होती है फर्स्ट माइल कॉस्ट, मतलब जो प्रोडक्ट आपके यहाँ तक आ रहा है वो फर्स्ट माइल कॉस्ट है। दूसरी है मिड माइल कॉस्ट, कि आप अगर अपने गोडाउन में उसको रख रहे हैं, उसको रीपैक कर रहे हैं, या उसको आप बड़ी मात्रा से कम मात्रा में बना के किसानों को दे रहे हैं, तो वो मिड माइल कॉस्ट है। और तीसरा है लास्ट माइल कॉस्ट, जो किसान आपके यहाँ से ले जा रहा है या कई बार आप किसान के घर तक पहुँचा रहे हैं, तो उसमें जो खर्चा होता है उसको लास्ट माइल कॉस्ट कहते हैं। तो ये तीन तरह की कॉस्ट तो प्रोडक्ट के साथ होती हैं। और हम जब देखते हैं, तो जब हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं, तो हमें कैसे, हम जनरली चीज़ें देखते हैं कि 100 रुपये में हमने ख़रीदा और अगर 110 में हम बेच रहे हैं, तो हमें 10 रुपये का प्रॉफिट है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरी चीज़ों की भी कॉस्ट आपने नहीं जोड़ी है, जो सामान्यतः FPOs, उनके CEOs या डायरेक्टर्स गलती करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं? एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने ये जो प्रोडक्ट ख़रीदने में पैसा लगाया है, ये आपने अगर लोन से लिया है, तो इसकी ब्याज है जो आपको देना है, तो वो आपको कंसिडर करना चाहिए, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। फिर आपकी स्थापना का व्यय है, आप जो ऑफिस चला रहे हैं, बिल काटते हैं, GST भरते हैं, या जो EFMS है फर्टिलाइज़र वाला, उसमें किसान का अंगूठा लगाते हैं, तो उसके लिए मैन पावर मशीन लगाते हैं, तो इसकी जो हमारी स्थापना कॉस्ट है, वो उसकी यूनिट को हमें इसमें जोड़ना चाहिए। फिर इसमें टैक्सेस क्या क्या लग रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स अगर आपको देना है या GST देना है, तो वो टैक्स को आपको सोचना चाहिए। फिर है आपकी कंसल्टेंट की फीस, जैसे आप का एक CA होगा,
जो आपका अकाउंट फाइल करता होगा, दूसरे आपका कोई जीएसटी वाला होगा जो आपके जीएसटी के कंप्लाइंस करता होगा, तीसरा आपका आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का बंदा होगा जो आपकी कंपनी का वार्षिक हिसाब किताब और रिटर्न उन्हें भेजते हैं। अब इनकी हम फीस देते हैं, तो ये भी हमें अपने व्यवसाय में जोड़ना चाहिए जो सामान्यतः हम नहीं जोड़ते हैं। तो ये सब जोड़ के अगर हम बेचने की कॉस्ट निकालते हैं, फिर हमें देखना चाहिए कि ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो आप देखिए कि एक तो ये जो बाज़ार है इसमें किस किस से आपका कंपटीशन है। तो आपका सीधा सीधा कंपटीशन वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या डीलर्स हैं उनके साथ है। इसके साथ आपका कंपटीशन जो सरकार की प्राइमरी फार्मर्स कोऑपरेटिव्स हैं, पैक्स हैं, उनके साथ आपका कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ भी ये मटेरियल मिलते हैं। तो ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप मोनोपोली में काम कर रहे हैं, बहुत लोग यही प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो हमें अपनी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि किस तरह की स्ट्रेटेजी पे हम काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत थिन मार्जिन का बिजनेस होता है। अगर आप B2C कर रहे हैं तो 12 से 15% ही इसमें मार्जिन बनता है। फिर इसमें आप देखिए जो आपने मेंबर्स बनाए हैं उस पर कितना खर्चा किया है, वो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपकी क्या है, फिर आपकी इस सब कॉस्ट को अगर हमें निकालना है तो हमें कैसे करना है। तो हमें जो बॉल ऑर्डर है अपने सदस्यों का उसको हमें बढ़ाना चाहिए ताकि सभी सदस्य हमसे ही मटेरियल खरीदें। जितना हमारा ऑर्डर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम लोग अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, अपना मार्जिन बढ़ा सकते हैं। दूसरे कि हमें परचेज जो करना है उसमें बुकिंग में जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसमें बुकिंग में नहीं जाएंगे आपको इसमें मार्जिन नहीं मिलेगा। तो आपको ई फसल जैसी कंपनियों के साथ टाइप करना चाहिए जहाँ कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा मार्जिन देने की वो कोशिश करती हैं, ज़्यादा जो हाईली बुकिंग होती है उस पर जो मार्जिन आता है वो कम उस पर आ जाता है। फिर आपको अपने किसानों को अप स्केलिंग और अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग करना चाहिए। जैसे कोई आदमी अगर खाद लेने आया है तो उसको आप बीज भी दीजिए, पेस्टिसाइड भी दीजिए, इसको कहते हैं अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग है कि अगर वो मशीन इक्विपमेंट भी खरीद रहा है तो भी वो आपसे खरीदे, यदि उसके पास ट्रैक्टर है तो उसका मोबाइल वो आपसे खरीद सकता है, या आप बैटरी बेचते हैं या कुछ दूसरी चीज़ें बेचते हैं तो ऐसे उनको आपसे लेना चाहिए। फिर आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आपका एरिया बहुत फोकस्ड हो। अभी FPO क्या करते हैं, बहुत बड़ा एरिया में मेंबरशिप बना लेते हैं और वहाँ वो उतने लोगों को सर्व नहीं कर पाते हैं, तो असंतुष्ट होता है, बाज़ार में आपका नाम खराब होता है, दूसरे साथ ही आपका जो भेजने का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो एरिया पे बहुत फोकस्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट पे बहुत फोकस्ड होना चाहिए। आपको ये सर्वे करना चाहिए कि आपके एरिया में कौन से ब्रांड चलते हैं, किन कंपनियों के चलते हैं, किस पैकिंग में आते हैं, क्योंकि जब तक आप वो ब्रांड, वो कंपनी और वो पैकिंग उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक किसान आपसे खरीदेगा नहीं। तो ये हमें करना चाहिए। फिर हमें अपने सदस्यों को दो तरीके से बढ़ाना चाहिए, सबको शेयर देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हम शेयर मेंबर्स बनाएं और कुछ हम सर्विस मेंबर बनाएं, जिनको हम शेयर नहीं दे रहे हैं पर उनको हम अपनी दुकान से सर्विस दे रहे हैं। तो जैसे जैसे आप सर्विस मेंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका बेचने का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आपको जो घाटा हो रहा है उसमें कमी आएगी या आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो फिर आपको अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस देखना चाहिए, किसानों से अपने मेंबर से बात करना चाहिए कि उनको प्रोडक्ट कैसा लगा, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उनकी प्रॉब्लम्स कोई हैं तो उनको आप सुधारिए। तो दुकान में बहुत सारी चीज़ें भरने की जगह
अगर हम कुछ जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ चलते हैं उन पर ही फोकस करेंगे तो हम बेहतर काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में जो ई फसल है वो सीड फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड और बायो माइक्रो न्यूट्रेंट मशीन इक्विपमेंट ये सब सप्लाई करते हैं, तो अगर आप चाहें तो ई फसल के फ्रेंचाइजी बन के भी ये काम कर सकते हैं। ई फसल FPOs को फ्रेंचाइजी देते हैं और अच्छे दामों पे और अच्छे मार्जिन पे प्रोडक्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, तो अगर आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।